तो हम बात करेंगे SSRI की। SSRI तो ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होता है। दिस मेडिकेशन बाइंड टू सीरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर एंड इनहिबिट देम, थस इंक्रीजिंग सीरोटोनिन लेवल इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दीज मेडिकेशन आर स्लो एक्टिंग, इसका मतलब होता है इट यूजुअली टेक 4 to 6 weeks, मतलब 1 महीना, बिफोर इम्प्रूवमेंट कैन बी सीन। अदर डिसऑर्डर दैट कैन बी ट्रीटेड विद SSRI आर क्रोनिक एन्जाइटी, PTSD, OCD एंड ईटिंग डिसऑर्डर। मेडिकेशन कौन कौन सी होती है? एसिटिलोप्राम, सरेटालिन, पारोक्सिटिन, सिटेलोप्राम, फ्लुओक्सिटिन। फ्लुओक्सिटिन की खासियत होती है फ्लू, बुल की तरह खा खा के मोटी हो गई, बुलीमिया नर्वोसा। सिटेलोप्राम की बात करें, इट कैन प्रोलोंग QT इंटरवल। मोस्ट SSRI आर प्रेगनेंसी कैटेगरी सी, बट पारोक्सिटिन इज कैटेगरी डी बिकॉज इट कैन कोज कंसेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। साइड इफेक्ट की बात करें हम, तो इसके लिए हमें S4 याद रखना है, सीरोटोनिन सिंड्रोम, सुसाइडल आइडिएशन, SIADH एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन। अब हम बात करते हैं SNRI की, तो इसके अंदर आता है डुलोक्सिटीन और वेनलाफेक्सिन। दीज टू मेडिकेशन आर इम्पोर्टेंट। डुलोक्सिटीन का इंडिकेशन क्या है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड फाइब्रोमाइल्जिया। वहीं वेनलाफेक्सिन की बात करें, सो इट इसके इंडिकेशन है सोशल एन्जाइटी, OCD, पैनिक डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट मेनोपोजल हॉट फ्लैशेस। दीज ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ वेनलाफ्लैक्सिन। अदर इंडिकेशन ऑफ SNRI, तो एन्जाइटी में भी दे सकते हैं, इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन के अंदर भी SNRI हम देते हैं। साइड इफेक्ट सीरोटोनिन से रिलेटेड तो वही रहेंगे। अब इसके अंदर क्या, नोरेपिनेफ्रिन भी बड़ा होता है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ नोरेपिनेफ्रिन विल लीड टू हाई BP, स्वेटिंग एंड हेडेक। मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं इसके अंदर? सुसाइडल आइडिएशन एंड सीरोटोनिन सिंड्रोम। डुलोक्सिटीन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी। पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी में डुलोक्सिटीन जो होती है वो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करें, तो ये सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों को ही बढ़ाते हैं। दो तरह के होते हैं ये, टर्शियरी TCA और सेकेंडरी TCA, सह सह स्टिक टुगेदर। तो सेकेंडरी जो होते हैं वो होते हैं सेलेक्टिव, सेलेक्टिव होते हैं सिर्फ और सिर्फ नोरेपिनेफ्रिन के लिए, सिर्फ नोरेपिनेफ्रिन को बढ़ाते हैं। जो टर्शियरी होते हैं वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, तो ये सीरोटोनिन भी बढ़ाते हैं, नोरेपिनेफ्रिन भी बढ़ाते हैं। तो टर्शियरी के अंदर क्या आता है? एमीट्रिप्टेलिन आता है। सेकेंडरी के अंदर आता है नोरट्रिप्टेलिन। टर्शियरी के अंदर इमीप्रामीन आता है, क्लोमीप्रामीन आता है। इमीप्रामीन का यूज़ करते हैं हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के अंदर, और क्लोमीपिरामीन का यूज़ करते हैं हम OCD के अंदर, ठीक है। वहीं सेकेंडरी TC या सेलेक्टिव TC के अंदर आता है डेसी प्रामीन, देसी। अदर इंडिकेशंस आर फोबिक डिसऑर्डर्स, क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो होता है। इसके अलावा माइग्रेन की प्रोफिलैक्सिस में भी हम TCA दे सकते हैं। सो साइड इफेक्ट की बात करें, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑफ पीपल यूजिंग TCA, तो उसके लिए हमें याद रखना होगा 3C, कोमा, कन्वल्जन्स एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा ये जो TCA होते हैं, ये हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, दैट लीड्स टू सेडेशन। इट आल्सो ब्लॉक मस्कारिनिक रिसेप्टर, दैट लीड टू एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट, जैसे कि ड्राई माउथ हो गया। इसके अलावा ये Alpha-1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, दैट लीड्स टू ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन। अब हम बात करते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की, तो ये सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन के साथ साथ डोपामिन के लेवल भी बढ़ाता है, ठीक है। नॉट फर्स्ट लाइन फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बट वेरी इफेक्टिव फॉर अटिपिकल डिप्रेशन। अटिपिकल डिप्रेशन के लिए ये क्या है, ये बहुत इफेक्टिव है। दो टाइप के होते हैं ये, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव के अंदर याद रखो, सेलेक्टिव से सेलेजिलिन और रासेजिलिन, सेलेजिलिन रासेजिलिन, ये सिर्फ और सिर्फ MAO-B इनहिबिटर को ही इनहिबिट करते हैं,
डोपामिन बढ़ा देते हैं, मेनली यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज़। नॉन सेलेक्टिव के अंदर क्या क्या आता है, ट्रैनिल क्रोप्रोमाइन, फेनलजिन एंड आइसोकार्बोक्साइड, इनहिबिट माओ ए एंड माओ बी, एंड दीज विल इंक्लूड सीरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन एज वेल एज डोपामिन। हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है व्हेन एमएओआई आर कंबाइंड विद टायरामिन रिच फूड्स लाइक चीज़, वाइन एंड बियर। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन में हम क्या देते हैं, फेंटोलामीन देते हैं ट्रीटमेंट। आर्टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटाजपीन की। इट इनहिबिट अल्फा टू रिसेप्टर, इट इनहिबिट 5-HT2A रिसेप्टर, 5-HT3A रिसेप्टर एंड हिस्टामिन H1 रिसेप्टर। मेटाजीन इज़ अ सिलेक्टिव सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट विच सेलेक्टिवली बाइंड्स टू 5-HT2A एंड 5-HT3A सो दैट मोर सीरोटोनिन कैन बाइंड टू 5-HT1A रिसेप्टर विच हैज़ स्ट्रोंगर लिंक टू डिप्रेशन। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ 5-HT3A रिसेप्टर आल्सो रिड्यूसेस नोजिया एंड वॉमिटिंग। ब्यूप्रोपियोन की बात करें हम, इट इज़ मेनली यूज टू ट्रीट एनजाइटी डिसऑर्डर, सीरोटोनिन सिंड्रोम तो इसके लिए निमोनिक है, ट्रेमाडोल, लिनाजोलिड, ओंडेनेस्टेरोन, सेंट जॉन्स वर्ट, मेपिरिडिन, डेक्सट्रोमेथोरफेन, ट्रिप्टन और एमडीएमए। लिनाजोलिड जो होता है इट ब्लॉक्स माउ, ओंडेनेस्टेरोन वर्क्स एज सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ट्रिप्टन जो होता है एक्ट एज सीरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये एगोनिस्ट होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है। एमडीएमए स्टिमुलेट रिलीज ऑफ सीरोटोनिन, ठीक है। इसके अलावा सीरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर मैनेजमेंट में क्या देते हैं, सिप्रोहेप्टाडीन देते हैं। इट आल्सो हैज़ एन एपेटाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट एंड हैज़ बीन यूज्ड टू प्रमोट वेट गेन इन पुअर ईटर्स। सो दिस